आज के जो हमारे स्कॉलर हैं वो है शिवानी यादव। शिवानी, वेलकम टू शकुंथास। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शिवानी, आज हम आपसे पूरी आपकी जो जर्नी रही है नेट को लेकर और आपके जो कॉलेज लाइफ रही है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। शिवानी, कैसे हो? स्कूल डेज को मिस करते हैं आप? हाँ ऑफ कोर्स, स्कूल डेज को मिस करते हैं। स्कूल टाइम लाइफ जैसा तो है नहीं अभी, बट हाँ हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अपने अलग इम्पोर्टेंस है। स्कूल लाइफ में जैसे टीचर्स के साथ जैसे कनेक्शन होता था वो अब नहीं होता है, अब कॉलेज के टीचर्स सिर्फ टीचर्स ही होते हैं, तो हाँ ऐसा सब भी है। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में, फैमिली के बारे में? मैं शिवानी हूँ। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। वाह, माई फादर इज इंजीनियर, माई मदर इज हाउस वाइफ, माई सिस्टर इज फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो इंजीनियर। आपको कब पता चला कि आपका MBBS करना है? एक्चुअली ऐसे कभी पता नहीं चला, जब 11th में जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तब मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, दैट इज वाई आई चूज बायो, और फिर उसके बाद तो ऐसे ही होता गया। तो नीट के लिए प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट किया? नीट के लिए प्रिपरेशन ऐसे ही बायो के बाद अब और क्या क्या ऑप्शंस हैं तो यही सबसे बेटर लगा। सो आपने नेट के लिए प्रिपेयर कहाँ पे किया? एलन कोटा। तो जो नीट के लिए आपने जब प्रिपेयर किया उसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो बताएंगे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की आपने? हाँ नीट के प्रश्न करेंगे तो डिफिकल्टीज तो काफी आती हैं। ऐसे जो मैंने फेस करी कि जो कोचिंग के जो टेस्ट होते थे वीकली, उनको मैं कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती थी कि अब इसमें मार्क्स खराब आए हैं तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना होता। क्योंकि जो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो जो फाइनल एग्जाम होता है ना उससे डिफिकल्टी होता है, क्योंकि फाइनली तो पूरा सिलेबस में से पेपर आता है तो वो उसका लेवल थोड़ा कम होता है। तो कोचिंग के टेस्ट सिर्फ इतना सीखना है कि अब जो गलतियां हुई ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जो इस पेपर में जो जो गलतियां हुई है ना उसको, और पता चलता है कि ये मेरे मिस्टेक्स है, मेरा ये टॉपिक वीक है, तो बस उसको स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो, मार्क्स डजंट मैटर। सो शिवानी, जो आपका प्रिपरेशन का जो फेज़ था वो तो अभी जा चुका है, अभी आप अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपसे आपके कॉलेज के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में गए तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट डे कैसा था आपका कॉलेज में? हाँ फर्स्ट डे इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। फर्स्ट डे तो सिर्फ ओरिएंटेशन ही था, हमें सब टीचर्स बता रहे थे क्या क्या कैसे कैसे होता है, व्हाइट कोट सेरेमनी थी। और फर्स्ट डे जब हमें कैडेवर्स दिखाने जाने वाले थे वो काफ़ी एक स्कैरी मोमेंट था, हम लोग काफ़ी डर गए थे कि पता नहीं क्या ही होगा, बट इतना कुछ नहीं था दिक्कत। तो आपने जब फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा लगा? काफी डर लगा बट फिर धीरे धीरे यूज्ड टू हो गए। अभी तो यूज्ड हो रखे होंगे। हाँ अब तो एकदम नॉर्मल है। बेसिकली जो हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है वो हॉस्टल लाइफ के बिना अधूरी होती है, हाँ ऑफ कोर्स। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मज़े हॉस्टल के अंदर ही करते हैं, तो हॉस्टल के बारे में बताएंगे? हाँ हॉस्टल इज बेस्ट प्लेस एक्चुअली। जो मेरे लाइफ के जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं वो यहीं आके बने हैं, तो हॉस्टल मीन्स अ लॉट टू मी। आप फर्स्ट डे जब हॉस्टल के अंदर आए थे तो नए नए फ्रेंड्स थे, उनके साथ कॉप अप करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई? नहीं एवरीथिंग जस्ट वेंट विद फ्लो, अपने आप ही हो गया, ऐसे कुछ डिफिकल्टीज नहीं आई। अभी आपका जो डेली रूटीन है वो क्या है? हाँ हमारी सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 8 से 10 बजे तक हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, और फिर 10 से 1 बजे तक क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, और फिर 1 से 2 एक और थ्योरी क्लास होती है। आपने नीट के बाद आपको कॉलेज मिल गया और फिर उसके बाद आपने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया? नहीं उसके बाद नहीं स्टार्ट किया मैंने, मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर भी शायद हाँ सेकेंड ईयर का एग्जाम निकल गया था उसके बाद। तो ये कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि चलो यूट्यूब करते हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया? ऐसा कोई सॉलिड रीजन नहीं था, ऐसे वन डे आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब, फिर मैंने सोचा कि मैं भी बना सकती हूँ, काफी एक्साइटिंग सा कुछ लग रहा है, फिर मैंने ऐसे एक दिन ब्लॉग शूट कर लिया एंड इट वेंट वेल, तो उसके बाद से फिर मैंने बनाते क्योंकि मतलब यूट्यूब वीडियो बनाने में मुझे मजा आने लग गया इसलिए। सो मतलब कि आप अभी पॉपुलर हो गए, आपके मतलब काफ़ी मैंने देखे हैं आपकी वीडियोस को,
तो इतना पॉपुलर होने के बाद कैसी फील आती है? मतलब आप आपके जो जूनियर्स आते होंगे वो बोलते होंगे कि हमने आपकी दीदी आपकी ये वीडियो देखी वगैरह वगैरह, सो कैसा फील होता है? एक्चुअली अभी तक तो क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया ना, अब बैच जो आएगा उसमें कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियोस देखी, हम आपसे मिलेंगे, पर अभी तक बच्चे आए नहीं है तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज जस्ट वेरी नॉर्मल. बट हाँ, 12K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. आई फील रियली हैप्पी फॉर दिस. थैंक ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 12K. ओके, यू सो मच. सो आपके यूट्यूब के लिए के फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे कि मेरे को यूट्यूब में मज़ा आने लग गया है, तो कुछ सोचा भी होगा आपने फ्यूचर में? ऐसे एज सच कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है. मतलब मुझे जब लगता है कि ये वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, मैं बना देती हूँ. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. ऐसे कुछ वो नहीं है मेरे कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए. ये बस ऐसा ही कि मतलब पढ़ाई के अलावा मेरा कुछ है. इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी ओनली. ओके, आपने यूट्यूब से अर्न किया है? हाँ, किया है लाइक यूट्यूब से आपकी नहीं किया है, एक्चुअली ने स्पॉन्सरशिप से किया है. यूट्यूब से अभी ओके, पेमेंट नहीं आई सो है. बेसिकली आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो मैं जानना चाहूँगा. 2700. ओके, आप स्टडीज़ को यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हैं? वही मतलब ऑन डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग आई मेक यूट्यूब वीडियोस. इट्स लाइक दे आर ओनली जस्ट लाइक ओके, हॉबी. ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. आई जस्ट नीड वन डे फॉर माय यूट्यूब वीडियो. आई शूट दैट, आई एडिट दैट, देन आई अपलोड इट. सो बेसिकली आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, अपने कॉलेज को भी, हॉस्टल को भी, एंड साथ में जब भी आप बोर होते हैं तो यूट्यूब. या टोटली. ओके, सो एक होता है ना कि डॉक्टर की जब हैंडराइटिंग होती है वो थोड़ी सी, जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसे वो हमें दवाई लिख के दे देता है कि ये हो, तो वो समझ नहीं आता है. तो ये सच में ये ऐसी बात है कि डॉक्टर की जो हैंडराइटिंंग होती है वो ख़राब होती है? सबकी खराब नहीं होती है. मेरे तो काफी फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, बट हाँ मेरी खराब है. मोस्टली लोगे खराब हो जाते हैं क्योंकि काफी लेंदी पेपर आता है तो काफी जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो शायद इस वजह से. तो इस वजह से खराब हो जाती है. शायद. ओके, सो अभी आप कॉलेज के अंदर हैं, 12th का जो फेज था उसे क्रॉस ओवर हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मेंटलिटी में क्या-क्या चेंज आया है? काफ़ी ग्रो हुए हैं मेंटली, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई हूँ. नाउ आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स. कुछ चीज़ों के लिए मेरे खुद के व्यूज़ हैं. बाकी अभी ऐसा नहीं है कि मैं अब ग्रो हो चुकी हूँ बस बंद. अभी भी मैं ग्रो हो ही रही हूँ तो या. ओके, सो अभी आपके जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब कि MBBS कर रहे हैं, उसके बाद के क्या प्लान्स हैं? उसके बाद का अभी तक तो यही है कि पीजी में एडमिशन लेना है. पीजी की प्रिपरेशन करेंगे. ओके, सो आप जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अभी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर आगे जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? हाँ, उनके लिए मैसेज यही है कि पहली बात तो जो भी टेस्ट है उनको इतना सीरियसली मत लो. उनसे बस इतना पता लगाओ कि यार मेरा ये जो टॉपिक है ये वीक है, मुझे इसको स्ट्रांग करना है. अब उसके बाद ये आता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम इसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते. जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, मतलब मोस्टली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस पूरे चैप्टर को पूरा छोड़ के चले जाते हैं. लेकिन फिर क्या होता है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है और हम वही नहीं कर पाते. तो अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको एकदम से छोड़ के मत जाओ. जितना तुम्हें समझ में आ रहा है ना उतना तो रिवाइज करके जाओ, ताकि अगर एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आए वो तो हम सॉल्व कर लें. डिफिकल्ट आएगा तो कोई बात नहीं, पर ईजी तो हम सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि अगर ये छूट गया ना, तब आप में आपको बिल्कुल कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. एक तो ये बिल्कुल, है. दूसरा, कभी भी खुद के मार्क्स को दूसरे के मार्क्स के साथ कंपेयर मत करो. इससे सिर्फ ओके, तुम्हारा एक्स्ट्रा जो बर्डन है ना वही क्रिएट होगा. तुम बस खुद के ऊपर वो करो कि यार मैं ग्रो हो रहा हूँ ना, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना, पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना, बस इतना देखना. दूसरों के साथ कंपेयर मत करो. और अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का रेगुलर चेक रखो. क्योंकि हम लोग ना काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं. मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखती है. सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, रोज चाहे आधा घंटा ही सही एक्सरसाइज करो. उससे क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव होगा, तुम्हारे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे, तो तुम पूरे दिन काफी एक्टिव रहोगे. तो यार काफी बिग सिस्टरी एडवाइस हो गई, बट या ना ना. ओके, यहाँ पे आपने मेरे को रे ऑप्टिक्स का बोला तो मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि जो फिज़िक्स होता है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उसके हाँ. लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या ज्ञान देना है? फिजिक्स के लिए यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करो. अब क्वेश्चन में ये नहीं कि हमने बस बहुत सारे, हम ये बुक भी सॉल्व कर दी, वो बुक भी सॉल्व कर दी, ऐसा नहीं.
जो कोचिंग के जो मॉड्यूल है ना उतना सफिशियंट होता है, उन लोगों को पता है तुम्हें इतनी जरूरत है। उसके बाद क्या करना है ना कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, पता लगे ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, इसको सॉल्व करने का मेथड ही अलग था, इसको स्टार मार्क कर लो, तुम्हारे रिविजन में आ जाए तो तुम्हें पता लग जाएगा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो। मतलब कहने का यही कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि तुम उसको वापस रिवाइज कर पाओ। नीट में ऐसे ही है, क्योंकि नीट में ऐसे नहीं होता कि हर बार नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आया मेरे को आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, सेम हियर। मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे को लगता था कि आप YouTube करते हैं तो काफ़ी सीरियस होंगे, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शगुनथाज। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके।